नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में निकिता यादव हत्याकांड के 11 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने आज एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सोमवार को दावा किया है कि निक्की हत्याकांड का आरोपी साहिल गहलोत का पिता वीरेंद्र गहलोत का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। साहिल का पिता वीरेंद्र गहलोत इससे पहले भी हत्या के कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। खास बात यह है कि निक्की मर्डर केस में अब तक कई राज सामने आ चुके हैं, लेकिन अब ताजा खुलासा अपने आप में चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि साहिल का पिता वीरेंद्र गहलोत का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसके पहले वह कई बार हत्या के मामले में जेल जा चुका है। इस बात की जानकारी इस मामले की जांच में जुटी टीम को उस समय मिली जब निक्की हत्या केस में सबूतों इकट्ठा करने के क्रम पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए सभी आरोपियों को लेकर मित्राओं गाँव पहुँची। मित्राओं गांव दिल्ली पुलिस उसी ढाबे पर पहुंची थी जहां पर निक्की की हत्या करने के बाद एक फ्रिज में उसके शव को आरोपी ने छुपा कर रखा था। साथ ही साहिल गहलोत और निकिता यादव ने अक्टूबर 2020 में ही नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। साहिल का परिवार इस शादी से नाखुश था। साहिल के परिवार वाले निक्की को रास्ते से हटाना चाहते थे। साहिल के परिवार ने दिसंबर 2022 में उसका रिश्ता तय कर दिया था। लड़की वालों से बात छिपाई कि साहिल पहले से शादीशुदा है और दिल्ली पुलिस ने रिमांड के दौरान साहिल और निक्की की शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद किए हैं। यही नहीं, निक्की के शव को फ्रिज में छुपाने में उसके दोस्त और कजन भाई ने भी साथ दिया था। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।